नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है 10 शहरों के 10 बड़ी खबरों का। झारखंड के रांची का रहने वाला इस मजदूर की गुहार सुनिए, इसकी आवाज तक साफ नहीं निकल पा रही है। यह मजदूर अहमदाबाद में फंसा हुआ है और सरकार से घर पहुंचाने की गुहार लगा रहा है। अंदर से खराब हो चुका है, घर पहुंचा दीजिए हमको। अहमदाबाद में रबारी कॉलोनी में रहते हैं। लॉकडाउन में देश भर की पुलिस मसीहा बनकर लोगों का सहायता कर रही है। वाराणसी में भी पुलिस उपनिरीक्षक अनिल कुमार मिश्रा प्रतिदिन गरीब और असहाय लोगों को भोजन कराकर और बच्चों को टॉफी देकर सांत्वना दे रहे हैं। बिहार के भाजपा विधायक अनिल सिंह ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए कोटा से अपने बेटी को घर लाया था। इस मामले को लेकर बिहार सरकार ने इजाजत देने वाले एसडीओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की पहली महिला विधायक कियारजनी ताई से बात की और आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री देश भर के विशिष्ट लोगों से लगातार बात कर रहे हैं। पुराने लोग हैं, इसलिए महामारी का दौर चल रहा है। तो आप लोगों को प्रणाम कर लूं, इसलिए मैंने तो फोन किया। बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। मैडम आशीर्वाद से आप कैसे मानना आशीर्वाद मानना आशीर्वाद क्या आपने काम दिया है वो मैं करवा दूंगा। अच्छा अच्छा, रायपुर करवा रहे हैं? नहीं, अभी तो आना नहीं होगा क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो लेकिन आइए, मैं तो पार्लियामेंट के चुनाव के समय आया था। समय निकाल के आइए ना। चलो आऊंगा, चलो आऊंगा। हाँ, मेरी तबियत ठीक है। घर में बहू है, बेटे हैं, सब करते हैं सेवा सेवा करते हैं। जी हाँ, बस पार्टी अपने है ना, अपने पार्टी अपन कहाँ जा नहीं सकते ना। कई लोगों ने आशीर्वाद दिया था, चलो चलो चलो, मैंने कहा नहीं, घर छोड़ तुम्हारा आशीर्वाद, घर घर छोड़ के नहीं जाती मैं। नंदू और बोला रानी का नमस्कार बताया है। सच्चिदानंद उपासने और मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है और आगे अरे नहीं तकलीफ का की और इससे भी अच्छा काम करो, आगे बढ़ो और ऊपर का खाना पड़ा और जस्ती ना मिले किसी खुशी आपका काम बहुत हम लोग यहाँ सुन देखते हैं ना। हेलो, किसी भी परिस्थिति में देश भर की महिला पुलिस अपनी ड्यूटी पर डटी है और ऐसा ही उत्तर प्रदेश की एक कांस्टेबल सीमा यादव अपनी 9 माह की बेटी को साथ लेकर चिलचिलाती हुई धूप में ड्यूटी करती दिख रही है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और पुणे में लॉकडाउन छूट को रद्द कर दिया है।
सरकार का कहना है कि लोग जिम्मेदारी से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, जिस कारण लॉकडाउन पूर्ण रूप से लागू रहेगा। गुजरात के छोटा उदयपुर की 2 साल की मासूम बच्ची को कोरोना हो गया था, जो अब ठीक हो गई है और अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उनके परिवार वालों ने खुशी जाहिर करते हुए कोरोना वॉरियर्स की तारीफ की। सूरत के अस्पताल में कोरोना के मरीजों ने खाने की काफी शिकायतें की थी, जिसके बाद शहर के 5-स्टार होटल मेरिटन ने कोरोना हुए लोगों को निःशुल्क भोजन देने का बीड़ा उठाया है। रिलायंस फाउंडेशन का मिशन अन्न सेवा दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट मुफ्त भोजन कार्यक्रम बनने जा रहा है। इसको लेकर नीता अंबानी ने इस मिशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। दिस विल बी द लार्जेस्ट मील डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम एवर अंडरटेकन बाय कॉर्पोरेट फाउंडेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वी विल प्रोड्यूस 1 लाख मास्क and 100,000 PPEs. A special mention and gratitude for all our doctors, nurses and staff of Sir H.N. Reliance Foundation Hospital, our colleagues at Reliance Retail, back-end and front-end, and the entire team at Jio. God bless. Jai Hind. उत्तर प्रदेश के चंदौली के थाना इलिया के दरोगा कमलकांत पांडे ने अपनी स्वेच्छा से 50,000 रुपए पीएम केयर फंड में दान दिया है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक हेमंत कटियाल ने उनकी तारीफ की।